तो मैं भी समझ लूंगा ना। मेनली फ्लोटिंग तो आपने देख लिया अभी, जैसे शायद रोहित का क्वेश्चन था तेरे का कैसे बना तो आपके सामने। अब क्या है जो हम बात कर रहे थे रिगार्डिंग ऑस्किलेटिंग बात कर रहे थे, हम एंगल की बात कर रहे थे, आज हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था वो था हमारा जी एम का जो इंस्ट्रूमेंट था जी एम इक्वल टू डब्ल्यू वन एक्स डिवाइडेड बाय डब्ल्यू टेन थीटा। डब्ल्यू वन क्या है? मूवेबल वेट। ये वेट मूवेबल रहेंगे क्यों? कोई अब ये देखिए एक चीज तो है कि 2.5 सेंटीमीटर के गैप पे लगे हुए दोनों तरफ है, यहाँ से होगा धीरे धीरे जैसे जैसे आप जाओगे आपको पता है सीधी सी बात है। अगर यहाँ वजन लगेगा रोटेशन, अब मैंने ये तो हुआ था मूवेबल वेट, ठीक है। कैपिटल डब्ल्यू जो था वो हमारा इसका वेट है टोटल वेट, ठीक है। देन आया थीटा, अब थीटा अभी तो क्या है ये आपका बैलेंस है बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा थोड़ा सा इतने तो ये चीज़। जैसे जैसे अगर आप पे ये वेट बढ़ेगा यहाँ आपको कुछ ना कुछ वहाँ डिस्प्लेसमेंट देगा वो आएगा थीटा, जिसके बेसिस पे आप जीएम निकाल सकते हैं। स्टार्ट करते हैं ऐसे रीडिंग से जैसे ढाई अब से सही बैलेंस आ रहा है हो सकता है आपका जो मेन है वो ऑस्किलेटिंग यही चीज़ है, क्योंकि ये क्या है ये हाइट आप देख रहे हैं, ये इससे बेसिकली एंगल बता रहा है आपके सामने से जैसे जैसे इसमें होगा ये रोटेशन।